हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हर्शीज किसेस मिल्क चॉकलेट के बारे में। ये 36 ग्राम का मिल्क चॉकलेट का पैक आता है 50 रुपीज़ की एमआरपी के साथ में। और अब हम इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें तो इस तरीके का बैग काइंड ऑफ पैकेजिंग इसमें आता है, और पैकेजिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। इसको बॉक्स पैकेजिंग में रखते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन नो वेज, हम अब इसको ओपन करके टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करना काफ़ी आसान है, और उसके अंदर इस तरीके के चॉकलेट्स यहाँ पर निकलते हैं। टीवी पर आपने इसका ऐड भी देखा होगा। तो इस तरीके के चॉकलेट्स हैं जो कि गोल्डन रैप के अंदर इस तरीके से लिपटे हुए हैं, और अब हम इसको ओपन करके देखने वाले हैं। ओपन करने पर इतना ये प्यारा सा चॉकलेट इसमें से निकलता है, और ये वाला चॉकलेट का जो हर्शीज किसेस का चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो है मिल्क चॉकलेट। इसके अंदर 3 और फ्लेवर्स, या हम कह सकते हैं 3 और वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें हर्शीज आलमंड्स है और हर्शीज कुकीज़ एंड क्रीम है, और साथ में ये वाला जो मिल्क चॉकलेट वाला फ्लेवर है वो है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं। अगर आप डार्क चॉकलेट के फैन हैं तो फ्रेंड्स, आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्वीट लग सकता है, और इसका जो चॉकलेटी जो फ्लेवर होता है, जो चॉकलेट का आपको एक कड़वापन हल्का सा वो जो फील होता है, वो इसकी ओवरकमिंग स्वीटनेस की वजह से बिल्कुल कहीं खो जाता है। लेकिन बच्चों को ये चॉकलेट काफ़ी पसंद आती है, और हर्शीज़ के ये छोटे छोटे जो किसेस वाले पैक हैं, काफ़ी यूनिक वे में इन्होंने इसकी पैकेजिंग बनाई है। अगर बात करें बच्चों के बारे में तो उनको बहुत पसंद आने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग जो प्रॉपर चॉकलेट फ़ैन हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चॉकलेट ट्राई की हुई है, तो वो हो सकता है इसके अंदर चॉकलेट का फ्लेवर थोड़ा उनको कम लगे। अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर है शुगर, बहुत सारी शुगर और मिल्क सॉलिड्स, और साथ में इसमें है कोकोआ बटर और कोकोआ सॉलिड्स, और है इमल्सिफायर। तो इसमें वेजिटेबल ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल काफ़ी सारी चॉकलेट्स में किया जाता है। तो इसमें ओनली कोकोआ बटर का यूज़ किया गया है, जो काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है। बट अगर हेल्दी एस्पेक्ट में हम देखें तो शुगर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और टेस्ट वाइज भी चॉकलेट में अगर शुगर बैलेंस्ड रहे या थोड़ी कम रहे तो चॉकलेट का बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। हो सकता है कई लोगों को इसकी जो मिठास है वो पसंद आए, बट मेरे लिए इसकी मिठास थोड़ी ज़्यादा है, और 36 ग्राम की क्वांटिटी 50 रुपीज़ में मिल जाती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको बिना वेजिटेबल ऑयल वाले कोकोआ बटर में बने हुए चॉकलेट्स आपको मिल रहे हैं। तो पर 100 ग्राम के हिसाब से इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन में एनर्जी 525 किलो कैलोरी इसके अंदर है, प्रोटीन है इसमें 9 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो वो 60.5 ग्राम है, और इसके अंदर फैट भी है जो कि 27.5 ग्राम है। इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखना है, अदरवाइज ये मेल्ट हो जाती हैं। 36 ग्राम की क्वांटिटी में कितने चॉकलेट्स आते हैं अगर बात करें इसकी, तो हम काउंट करके देख लेते हैं। 2 अभी मैंने इसमें से निकाल लिए थे, और उसके अलावा इसमें 6 चॉकलेट और हैं, तो इस तरीके से 8 चॉकलेट्स यहाँ पर आपको इस 36 ग्राम की क्वांटिटी के अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं इस चॉकलेट की बात करूं तो ये चॉकलेट बच्चों को काफ़ी पसंद आती है, और मेरे बेटे को भी ये काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ी कम पसंद आई क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीठा है। और फ्रेंड्स, आपको ये चॉकलेट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।